दोस्तों, दुनिया के सबसे गर्म और बड़े रेगिस्तान की बात निकलते ही जुबान पर सहारा डेजर्ट का नाम आता है, जहां जिंदगी नामुमकिन सी लगती है। पर ऐसे गर्म और उजाड़ जगह में भी कुछ ऐसे जानवर जो इजीली रहते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से जानवर हैं। नंबर एक, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को भला कौन नहीं जानता होगा। ये दुनिया की सबसे बड़े पक्षी होते हैं, जिनकी लंबाई तकरीबन 2.5 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। इतने बड़े होने की वजह से ये उड़ तो नहीं सकते, लेकिन ये अपने लंबे और ताकतवर पैरों की मदद से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये अपने पैर से किसी भी जंतु को पलक झपकते ही मार सकते हैं। सहारा रेगिस्तान में रहने वाला ये जानवर कई दिनों तक खाने और पानी के बिना जिंदा रह सकता है। शुतुरमुर्ग का एक लंबा सा गला होता है, जो कि काफी लचीला होता है, जिसे ये अपने मनचाहे तरीके से घुमा सकते हैं, जिससे इन्हें शिकार करने में आसानी होती है। जब इनके भारी भरकम अंडे में से बच्चे निकलते हैं, तो उनका आकार एक मुर्गी के बराबर होता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होता है। नंबर दो, डेजर्ट मॉनिटर। दुनिया भर में मॉनिटर की कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक है डेजर्ट मॉनिटर। छिपकली जैसा दिखने वाला जानवर ये सहारा रेगिस्तान में रहने वाला एक ऐसा जंतु है, जो अपने शरीर की बनावट के कारण किसी भी परिस्थिति में जिंदा रह सकता है। इसकी शरीर की बनावट की वजह से ये गर्म से गर्म जगह में भी जीवित रह सकता है। साथ ही साथ ये बिना पानी के भी बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ये जीव 45 किलोमीटर की रफ्तार से सहारा के रेत पर भाग सकते हैं, जिससे इन्हें शिकार करने में आसानी होती है। ये दिन के समय अपने शिकार को खोजना ज्यादा पसंद करते हैं। सांप की तरह ये भी अपनी जीभ को बाहर बार बार निकालते रहते हैं। ये अपने शिकार की खुशबू से उस तक पहुंचते हैं। नंबर तीन, कैमल। वैसे तो ऊंट दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन सहारा रेगिस्तान में रहने वाले एवं पाए जाने वाले ऊंट का आकार 10 से 11 फीट तक बढ़ सकता है, और ये कई हफ्तों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। इनका वजन 400 से 500 किलो तक हो सकता है। इन्हें खाने में अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि पसंद होता है। ये सहारा रेगिस्तान जैसे गर्म एवं रेतीली जगहों पर 32 से भी ज्यादा किलोमीटर तक की दूरी चलकर तय कर सकते हैं, जिससे इन्हें थकान भी नहीं होती है। साथ ही साथ बिना कुछ खाए पिए भी जीवित रह सकते हैं। कई जगहों पर तो अभी भी ऊंट का इस्तेमाल सामान व लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। नंबर चार, डेजर्ट टॉर्टोइस। आपने अभी तक ये देखा होगा कि ज्यादातर कछुए पानी में या पानी के आसपास ही रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा कछुआ हो सकता है जो रेगिस्तान में रहता हो? जी हाँ, ऐसा कछुआ है जो सहारा रेगिस्तान में भी आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है। ये कछुआ बिना कुछ खाए पिए कई महीनों तक या सालों तक जीवित रह सकता है। ये गर्मी से बचने के लिए एवं पानी की तलाश में रेगिस्तान की जमीन पर खुदाई करते हैं, जिससे उन्हें यहाँ जीवन यापन करने में आसानी होती है। ये खाने में घास एवं उनकी पत्तियां खाते हैं। ये 5 से 6 इंच तक बड़े हो सकते हैं, तथा इनका वजन 5 किलो तक हो सकता है। नंबर पाँच, साइड विंडर स्नेक। साइड विंडर स्नेक, ये सांप सहारा रेगिस्तान में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, जिससे एक बूंद जहर आपकी जान ले सकता है। ये सहारा रेगिस्तान की जमीन पर 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग सकता है। जैसा कि ये सांप जितना खतरनाक है, इसके शिकार करने का तरीका उतना ही खतरनाक है। ये सांप शिकार करने के लिए अपने आप को रेगिस्तान की रेत पे पूरी तरह से ढक लेता है। उसके बाद ये अपने शिकार के आने का इंतजार करता है। जैसे ही इसे कोई शिकार दिखता है, वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। कभी कभी ये सांप तो दूसरे सांपों को भी खाने से पीछे नहीं हटता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार की जानकारियां आगे भी मिलती रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।